राधे राधे संगवारी हो, कैसे हो आप सब? बने बने ना, आप सबके बहुत बहुत स्वागत है मुड़सी जी तड़का वन चैनल में। तो आज मैं बनाए हूँ आम पन्ना। ये कच्चा आम के पन्ना है, तो चलो एक हर विधि बतातन। आम पन्ना के तो बहुत फायदा है। तो आम ले ले हन, इला धो ले हन। अब एक गंजी में डाल के ला पकाए के लिए रख देंगे। तो उबालना है, मतलब इल ढक के उबालना है। अब ये 8 से 10 मिनट में उबल चुके हैं, तो आप एक बार उंगली से दबा के देख लेना अगर गर्म है तो, या चम्मच से काट के देख लेना। अब इला कुछ देर ठंडा होने देना है। तो ये आम गल चुके हैं, फिर इधर पानी निकाल के इमें चीरा लगा के रख देना है ताकि ये अच्छा से ठंडा हो जाए। और इधर गांठ वाला भाग निकाल देना है, फिर इधर गुदला चम्मच के सहायता से अच्छा से निकाल लेना है। अब छिलका से तो गुदा निकल चुके हैं और गुठली से भी निकाल लेना है। तो बहुत आसानी से निकल जाते। ये रेशा वाला आम नहीं है, बहुत अच्छे से निकल जाते। रेशा बोले तो चेर वाला। अभी तो आम बढ़िया थे, कलमी आम है। आम पन्ना के फायदा तो आप सब जानत हो। ये पेट से जुड़े कई तरह के समस्या दूर करते। एमा विटामिन बी और सी दोनों पाए जाते, जो आंतों की सफाई करते और कब्ज की समस्या दूर करते। अब ये आम पूरा गुदा निकल चुके हैं, फिर एक बर्तन ले ले हैं, इमा शक्कर डाल दें। तो ये बड़े कटोरी की शक्कर है, इमा एक तार के चाशनी बनाना है। पानी भी मिला दें और अच्छा से मिक्स कर देना है, हिलाते जाना है ताकि शक्कर चिपके ना, घुल जाए अच्छा से। अब ये शक्कर लगभग घुल चुके हैं, फिर बेल चलाते जाना है। अच्छा से मैं उबाल आ जाए तब तक इल पकाना है। अब ये चाशनी पकते हुए 4 मिनट से ऊपर हो चुके हैं। अब मैं जो आम की गुदा निकाले रहे ओला डाल देना है। आप चाहो तो यहाँ पे मिक्सर पॉट में पीस के भी डाल सकते हो, लेकिन मोला ये थोड़ा गाढ़ा ही अच्छा लगता है, तो मैं एल पीस से नहीं हूँ। फिर दोनों लग अच्छे से पकन देना है। 3 से 4 मिनट ये पकी, तब तक इल अच्छा लाते ही जाना है ताकि शक्कर बैठे ना, गाढ़ा यानी चिपके ना। अभी मैम कुछ मसाला डालना है। तो ये जीरा पाउडर है, तो 2 बड़े चम्मच जीरा पाउडर है और 1 चम्मच काली मिर्च। अब सब अच्छा से मिक्स कर देना है। यहाँ पे मैं जरा से पुदीना पत्ती के पेस्ट भी डालने हूँ, खुद क्लिपिंग नहीं डाल पाए हूँ। अभी मैं 1 चम्मच नमक डालेंगे, तो ये रेगुलर नमक है जो रोज यूज करते हैं। इला भी डाल के अच्छा से मिक्स कर देना है। बस ठंडा करके इला जार में डाल के आप रख सकते हो। तो ये बिना फ्रिज के भी इला 3 महीना आप रख सकते हो। जब भी पीना है तो एक ग्लास में 2-4 चम्मच इल डाली कर घोला और घर ऊपर ठंडा पानी डाल देना है। अच्छे से मिक्स कर लेना है। ज़्यादा जन के लिए बना दो तो आप एक मग में अच्छे से घोल सकते हो। मैं जब रिकॉर्डिंग करेल बैठता हूँ तो मोर मिट्टो टाइम टाइम बोले लगते हैं, तो ला ध्यान मत दो। तब ये हमारे आम पन्ना बन के तैयार हो गए हैं। एम आप थोड़ा से ऊपर से काला नमक भी मिला सकते हो।
काला नमक डाल के भी अलग अच्छे से मिक्स कर देना है और थोड़ा पुदीना पत्ती से सजा सकते हैं। बस तैयार है आम पन्ना। तो आप में से कौन कौन आम पन्ना पसंद है मुझे जरूर बताओ, और मोर चैनल में जो नया है मोर चैनल लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और अपन दयामया बनाए रहो। तो आज के लिए बस इतना ही, आप सब एक बार राधे राधे, जय श्री।